एक राउंड भी था, प्लस एक गेस्ट भी, अतिथि भी आज शहर में आए हुए थे। संजीव सन्याल सर हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उनसे मैं मिलने गया था, कॉल करने गया था जहाँ रुके थे। यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में लेक्चर के लिए आए हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ की शाह ने 56 दुकान, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, तो फिर उनको लेकर के हम लोग आए यहाँ पर। और बड़ा अच्छा लगा उनको, यहाँ की स्वच्छता देख के अच्छा लगा, यहाँ जो डिसिप्लिन है लोगों में मास्क पहनने को लेकर के, वो भी देख के बहुत प्रभावित हुए। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे सभी लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से मास्क भी कर रहे हैं, सभी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन का अपना टीवो लगा, कार्ड लगा रखा है सामने, बैच लगा रखा है, तो बड़ा देख के इम्प्रेस हुए हैं वो। और उनकी तरह बोला गया कि इस तरह का दिल्ली में कोई भी स्थान नहीं है जिस तरह का एक साफ़ सुथरा अच्छे वातावरण में जो यहाँ दुकानें हैं, सब लोग आ जा रहे हैं, बड़े खुश हुए देख करके। वो अच्छा लगता है यार, सब लोग खुश देख करके, दुकानदार भी खुश हैं, जनता आ रही है, यूथ आ रहा है, वो भी खुश हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है। लोग प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है, पर अगर वैक्सीनेशन लोगों ने करा लिया है, जैसे 75% वैक्सीनेशन हो गया है फर्स्ट डोज, और मास्क का उपयोग सभी लोग ठीक ढंग से कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो देख करके अच्छा लगता है वो भी। देखिए दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, आज हम लोग सतर्क हैं, आज अगर केसेस बहुत कम हो गए हैं, 5-6 पे आके अटके हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग लापरवाही, एक भी पॉजिटिव केस को हम लोग घर में नहीं रहने दे रहे हैं, उसको आइसोलेट किया जा रहा है राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर में, उसके घर को कंटेनमेंट एरिया बना करके 7 दिन के लिए स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कोई निकले नहीं वहाँ से, उसके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए जा रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट के, और उसकी सैम्पलिंग की जा रही है कि उनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है, तो ये प्रिकॉशंस लेने पहले ली। वैक्सीनेशन में जैसा आपने देखा ही, शहर के जनता ने बहुत उत्साह दिखाया और शहर को सुरक्षित करती जा रही है यहाँ की जनता स्वयं, तो हम लोग कॉशियस भी हैं। थर्ड वेव को लेकर जो तैयारियाँ होनी चाहिए, चाहे अस्पताल की हो, चाहे बच्चों के ICU बेड को लेकर के हो, या ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर के अस्पतालों में, सभी में पहले ही हम लोग इंटेंसिवली काम कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो है सब व्यवस्थाएँ हो जाएँ। भगवान ना करे कि कोई थर्ड वेव नाम की चीज़ आए, पर कुछ कह नहीं सकते, वायरस अपने तरह का अलग तरह का है, पर हाँ तैयारी हम लोगों की रहनी चाहिए पूरी। और हम लोग पूरा ध्यान, अभी अन्य कार्य शुरू हुए हैं धीरे धीरे, पर अभी पूरा फोकस हम लोगों का तीसरी वेव की तैयारी को लेकर के, और अभी जो केसेस हमारे कम हुए हैं इसमें स्प्रेड ना हो, सैम्पलिंग हम लोग कर रहे हैं, लगभग 9,000 से ज़्यादा डेली सैम्पलिंग हो रही है शहर और ग्रामीण में, उससे कहीं भी अगर कुछ पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो हम लोग को एक अलर्ट सिग्नल मिलेगा किस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो तीसरी लहर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पूरे प्रिकॉशन रखे हुए हैं, और ताकि इस तरह का जो खुशनुमा माहौल देख रहे हैं आप, ये एक अच्छा लगता है इस तरह के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में मूव करने में भी। जनता भी बहुत परेशान हो गई थी, नेगेटिविटी आ गई थी, तो ऐसे ही वातावरण बना चले, ईश्वर कुछ करे ऐसे ही वातावरण बना रहे। राफा को आज 10 बजे तक का हम लोगों ने अलाउ किया है, 10 बजे तक जब मार्केट खुलती है, क्योंकि वो भी एक रेस्टोरेंट कैटेगरी का ही है, वो वहाँ के लोगों का रोज़गार भी था, और वो खोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, पर 8:30 तक ही खोल पा रहे थे अभी, तो उनका भी टाइम एक्सटेंशन उसको किया है हम लोग 10 बजे तक। और जब बाकी सब जब नॉर्मल होगी सिटी, जब बाकी सबको एक्सटेंशन दिया जाएगा तो उनको भी दिया जाएगा।